हे गाइस, तो आज हम लोग संडे है और क्लीनिंग ना वैसा हो ही नहीं सकता। आज हम अपनी ड्रेसिंग को बाहर से जगह से साफ करेंगे। हम आपको ज्वेलरी भी दिखाएंगे, पर्सेस की कलेक्शन भी दिखाएंगे। कलेक्शन भी हमारे पास, ये तीन गुल्लक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बस आप नीचे वाला खाना समेटेंगे। ये पर्स है, ये मेरी मदर ने हम लोग गिफ्ट किया था, मुझे दिया था। वैसे तो फाइनली तो मैं भी यूज़ करती हूँ, मेरी बहन भी। ये जो क्राउन है ना, ये बारात में पहनने के हैं। ये हम लोग पहनते दो तीन बार पहने हैं, मैंने बोला उसने। और अब क्या है, हमारी कुछ ज्वेलरी ऐसे बाहर ही पड़ी रहती है गाइस, क्योंकि ये अंदर नहीं रखे। जैसे हम लोग ऐसे आते हैं और ऐसे फेंक देते हैं। कौन कौन ऐसे करते हैं? ये मेरी बहन है ना, ये फालतू चीज़ें जमा करके रखे हुए कपड़े। हाँ, ये मैंने ना क्राफ्टिंग के रखे हुए। ये शार्पनर के कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे, यहाँ पे कपड़ा भी है और एक टोपी भी है। मेरे भाई आके उतार दिए के रख जाता होता दिल हाली। ये पर्स है यार, मुझे ये ब्लैक वाला जो पर्स है भारी भारी सा लग रहा है। ओह, इसके अंदर दुपट्टा है मेरी बहन का। हम रुकने वगैरह जा रहे थे, हमने याद ही नहीं रहा। हम लोग ले गए थे खाने के अलावा, मेरी कैप्सूल वाली लिपस्टिक भी होगी इसमें। कैप्सूल वाली लिपस्टिक, कैप्सूल वाली, ये क्या है गाइस? मेरा क्लिप, थैंक गॉड मिल गया, मिल गया कैप्सूल वाली लिपस्टिक। ये रही, ओह मेरी लिपस्टिक, स्वीट लिपस्टिक। हाँ गाइस, ये लिपस्टिक ये पानी में, अभी पानी में मिला के इसको खा जाती है। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, लिपस्टिक यही होगा। ये देखिए गाइस, ये परफ्यूम, ये शी का ब्रांड है। कौन कौन सी की चीज़ें यूज़ करते हैं, मैं बहुत शौक से यूज़ करती हूँ। सो अब आगे बढ़ते हैं, नीचे वाला खाना बिल्कुल खाली हो चुका है। सो ये देखिए गाइस, मेरी फटी हुई बुक। सो नीचे वाला खाना बिल्कुल ही खाली हो चुका है, और यहाँ का कचरा हमने डाल दिया जितना भी कचरा था। अब ऊपर वाला करते हैं, ऊपर में सारी फेवरेट चीज़ें रखते हैं। एक और पर्स जो कि इसके जैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस कलर चेंज है। हमारा ज्वेलरी बॉक्स, इसको भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे। इसको भी, इसके अंदर सीक्रेट चीज़ें हैं वैसे। ऑर्गेनाइज अभी ये होगा, लेकिन अभी नहीं। और ये मेरा ब्रेसलेट है, क्योंकि हमारे मामू की शादी थी तो हम लोग जो है ना ये सारी चीज़ें पहन के गए थे, नहीं खरीद के गए थे। ये कचरा नहीं है, ये पर नाक लिखी हुई है। ओह, नाक लिखी हुई है, इसको ना संभाल के ऊपर अभी तो निकालो। तो यहाँ मेरी बहन ने बनाए हुए मिनी मिनी थे पेपर के ऊपर, कार्डबोर्ड। ये मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ। और उसके बाद फिर इसको कट करके ये ना वॉल, ये वाली वॉल पे लगाएगी, डेकोरेटिव वॉल पे। ये मेरी कलर बुक है, और जो मिनी मिनी। सो पहले अभी एक जो पढ़ लीजिए आप लगकर, बच्चे माँ, बच्चा माँ से, अम्मी आपके आपके आप मुन्ने को क्या पिला रही हैं? माँ, बेटा दवा पिला रही हूँ ताकि मुन्ने के दांत जल्दी आ जाए। बच्चा, अम्मी जान फिर तो दादी अम्मा को भी दवा पिलाएं ताकि उनके दांत जल्दी आ जाए। बच्चा बहुत बदतमीज है गाइस। सो गाइस, ये है हमारा दूसरा बच्चा, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि पूरा वेलवेट का है। और बाकी जेड पैंट एक मंथ के बाद हम लोग खोल के देखा तो पता नहीं क्या निकल रहा है। और देखिए इस वाले बैग में, जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये सारा सामान निकला है, ये वाला सामान निकला है। तो ये है मेरे फेवरेट पर्स है। इसके अंदर इतनी सारी वो है ना, क्या इसके अंदर शायद एक दो तीन लेयर्स है। और ये भी अभी हम आपको ज्वेलरी, इसकी भी ऑर्गेनाइजिंग अभी दिखाएंगे हम आपको। ये तीन गुल्लक जो अभी भी खाली है, हमने इनको भरा था फिर से खाली कर दिया। इसके अंदर आवाज आ रही है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। भाई सबसे मुश्किल काम, सबसे टफ वाला, उसमें हमारी दोनों बॉटल जो कि ख़राब हो चुकी, मतलब ख़राब नहीं वाली मेरी है, पर्पल वाली इसकी। हाँ, BTS आर्मी वाली मेरी लाहौर की है। सो गाइस, इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, हर बॉटल के ऊपर एक रबड़ लगा हुआ था, यहाँ पे हो गया। और अगर हम इसके अंदर पानी भर के लेकर जाएंगे ना और ऐसे नीचे गिरेंगे तो लीक होगा। पूरा रबड़ उसको पानी को रोकता था आने से, इसलिए हम लोग इसकी मॉडिफिकेशन हम लोग सही कराएंगे बॉटल। उसके बाद ये मैं जगह जगह क्या दिखा और ऊपर फ्लैग्स है हमारे, रबी रवल हमारे, रबी रवल के रबी रवल भी है, रबी रवल 14 अगस्त के दो तो रही।
और 14 अगस्त के स्टिकर्स वगैरह और क्राउन वगैरह इसमें। तो चले हम सबको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद पे सेटिंग करेंगे। क्या रे ऊपर गाइस, ये इसका कबाड़ है गाइस, देखिए ये इसका कबाड़ है। दिखा 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 दिखाओ, मुझे दिखाती नहीं। मैंने ना इसके ऊपर ग्लू डाल के ऐसे किया था, मैं इसको साफ कर लूंगी। ये क्यूब बॉय डे बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं जी गाइस, ये बहुत फालतू हो चुका है, कचरे में जा रहा है। तो चले गए ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो होगा ना वो हमारा होगा। ये बॉक्स हमें इसके अंदर और चीज़ें भी डालनी है। अभी पहले ये हटाएं, इसकी सेटिंग सही कर लें। तैयार हो कैसे? ऐसे ऐसे निकाल लो बस। सो फर्स्ट आप देख सकते हैं ये माथा पट्टी है, इसको हम ऐसे लगाते हैं। दो है ये, अभी दूसरा वाला इधर होगा। ये मेरी मम्मी मुझे लॉकेट दिलाया था, तुमने बोला। सो ये पहले हम इसमें सबसे टॉप पे डालेंगे क्योंकि मेरी फेवरेट है। सो गाइस, मलाई लप्पी को मम्मा ने रोजा खुशाई का गिफ्ट दिया। रोजा खुशाई का मेरी मम्मा ने गिफ्ट दिया था, थैंक यू मॉम कह दिया था। सो ये देखिए यहाँ पे रख देखिए झूमर है। किस किस को चाहिए? ये मेरी पागल सी बहन धीरे जा रही, पागल सी बहन का झूमर है। ये लगा के ऐसी दिखती है, लगाना। मैंने पहले ली थी, आपको निकाल के पिक्चर्स भेजूँ। मैं तो अपने मामू की शादी में पहन के गई थी, वाइट सूट के ऊपर इतना प्यारा लगा था ये। सो आई लव इट सो मच, मतलब देख लें आप इसको, काम देखें आप इसका, मुझे बहुत पसंद है। और ये मेरी दोस्त से दिया था स्कूल की, तो इसलिए मैंने ये पहना हुआ है। आप ये मत माइंड कीजिएगा कि मेरी ज्वेलरी में से नहीं है। सो ये चूड़ियाँ है, तीन ही चूड़ियाँ हैं। ये इसको आती है, मतलब मुझे आती है इसीलिए मैंने रखी हुई है, वरना मेरी। सो गाइस सबसे प्यारी चीज़ दिखाओ, ये देखें प्योर गोल्ड का नेकलेस। ये माता पट्टी भी है, ब्रेसलेट भी है, नेकलेस भी है। बैठ सकते हैं इसको, नेकलेस भी बैठ सकते हैं इसको, पैरों के पायल के भी बैठ सकते हैं। तो मतलब 3-4 in 1 ही है, मतलब पता नहीं कितने वन है लेकिन है। अब दिखा रहे आपको फिंचेस, जो कि हमने वलीमे पहनी थी। और वलीमे का व्लॉग दिखाऊंगा मैंने, और तैयबा ने पहनी थी। तो फिंचेस और ये कुछ फिंचेस हैं, और ये दो कैचर्स क्यूट क्यूट से मेरी दोस्त ने दिए थे मुझे, आयशा शहजाद ने गिफ्ट। और बाकी आयशा ने बॉबी पिन दी थी, एक और दी थी लेकिन वो मेरे बैग में पड़ी है अभी। ये देखिए गाइस इतनी प्यारी है, नहीं है ये हम अगर जूड़ा बनाए तो उसके ऊपर डेकोरेशन के लिए ऐसे लगा सकते। सो गाइस कुछ ये देखिए गाइस क्या हुआ है, इसका इतना बड़ा नेकलेस लग गया, मेरा भी एक नेकलेस है वो भी लग गया। इन दोनों की रिवीलिंग मैं आपको तो जीरो बात दूंगी। तो इसको ये देखिए जल्दी आइंस्टाइन ने, ये एक और माता पट्टी है जो कि मैंने आपको कहा भी था कि हमारे पास टूटी तो नहीं, नहीं ये हमने फर्स्ट टाइम पहनी थी, उसके बाद हमने पहनी नहीं है। ये मैं अपनी चाचू की शादी में पहनी थी, जब मैं पहनी थी फराज मामू की बारात में भी तो पहनी थी। हाँ मतलब पहनी है, इतनी ज़्यादा कम नहीं की। इसको अभी टॉपी पे रखेंगे क्योंकि बहुत प्यारी है। ये देखिए आप इसकी पावर फ्लफी बनी, इसका ये भी निकल रहा है, फेंक दे बहन। मैं ज़्यादा हाथ में पहनती हूँ, इसको इनके ऊपर ही रख देते। और ये तो डाल लो पहले, रुक जाओ ना पहले ये देखो। ये देखिए गाइस ये सबसे अच्छी चीज़ है, ये मैंने पहना था फर्स्ट टाइम मामू की वलीमे में। मैं तो वलीमे का व्लॉग मैंने डाला है, वो देखिएगा आपको नजर भी आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास क्राउन की भंडार है, भंडार आप देख सकते हैं। और क्राउन जो ये मम्मा हेयर बैंड लगा लगे रख रही है मेरे, ये देखिए। तो ये अभी इसके अंदर क्यों करेंगे, इसके अंदर 14 अगस्त की चीज़ें, इसके अंदर की 3 14 अगस्त पाकिस्तान के चीज़ें हैं। 14 अगस्त का व्लॉग है, 14 अगस्त का ही बताऊंगी, जरूर बताएं। और बाकी बैच नए कल से कोट करी, मैं इसको साफ करूंगी। पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग, खुराफाती आइडिया। एक पाकिस्तान वाली रिंग भी पड़ी हुई है। हाँ ये सबसे अच्छी चीज़ है, एक और थी वो खो गई, इसकी खोइए। नहीं मैंने कहीं मिली थी, मैंने कहीं इधर उधर कहीं रखी है। अरे देखो वो थैली उठाओ ना, वो ज्वेलरी की वो थैली रह गई, वो तो अभी खड़ी हुई थी। मैं उठा के लेकर आती हूँ, उसमें भी 14 अगस्त की चीज़ें आई थिंक सो, क्योंकि मम्मा ने मुझे बहुत सारी हम लोगों को ना 14 अगस्त की चीज़ें दिलाई थी। उसके अंदर भी और स्टिकर्स बैंगल्स वगैरह सब हैं, आई डोंट थिंक सो के हैं या नहीं है, मतलब है बहुत सारी। मैंने संभाल के रखी थी,
और हमारे पास वो चश्मे भी थे जो अलग के और मम्मा के पास ही रखे हुए सेफ, क्योंकि हंसें तो टूट जाती है। ये देखिए एक और स्टीकर, ये स्टीकर ना हमारे चाचा ने दिया हमें, क्योंकि हाँ, ना ज्यादा वो स्टॉल लगाते हैं, इतना प्यारा लगता है, पता नहीं कहाँ से। एक और रिंग दे दी गाइस, मैं बोल रहा था ना मैंने कहीं ना कहीं रखी है, वो दो रिंग हो गई मेरी, दो रिंग दिखाना जरा, हार्ड लगा हुआ है पाकिस्तान के, देखे ये मेरे भाई का ही है, हम भी पहन लेते हैं क्योंकि ये हार्ड से ऐसे सिक्योर होता है, तो ये हाथ में हाथ वाला बैंड है, बता दे। हाँ ये बता, मैं भूल ही गई थी, ये बैज, ये भी बैज, ये मेरा है ये वाला फर्स्ट वाला, और ये भी बैज। हाँ बैज हमारे पास तीन है क्योंकि ना हम लोग तीन बहन भाई आप लोग, और ये मेरे चाचू के बेटे ने गिफ्ट किया था मेरे भाई को, जो कि अब तो हादी तो पहनता है लेकिन हमने उसको अपना बना लिया। और बाकी चूड़ियाँ, ये चूड़ियाँ है जो हमने खरीदी थी दादी ने गिफ्ट की थी, दादी ने गिफ्ट की थी, हमने इसको अभी अपन में भी पहना है, हमने इसको ज्यादा घर में भी पहना, ग्रीन और व्हाइट लग रहा है, व्हाइट भी थी, व्हाइट भी थी। हाँ गाइस ये देखिए मेरी बिंदिया जो मामू की शादी में पहन के गए थे, हाँ बारात में मामू की शादी में, वाओ यार कितनी प्यारी लग रही थी ना ये, हम इसको नॉर्मल ज्वेलरी में रखेंगे जो ये 14 अगस्त तो उस वक्त के थे। ये देखिए गाइस ये इयररिंग्स है, दिखाऊं ये ना मम्मा ने एक के अंदर एक करके रख दिया, ये मैं पहनती हूँ मैं भी, और तैयबा भी एक और है, नहीं तुम्हारा इसका एक हो गया है, हाँ क्योंकि ये दोनों मेरे, मम्मा ने मेरा ये काटा, हाँ ये मेरा, मैंने मैंने मम्मा को बोल दिया था कि इसको निकाल देगा, मैं निकाल दिया, तो ये बस उसके अंदर होगा, मेरा एक और मैंने रखा था यार, इधर उधर कहीं पड़ा होगा, जरूर मुझे मिलेगा जरूर वो, क्योंकि मैं खोया तो नहीं है ना कहीं, मैं भूल के आई हूँ, तो गाइस इतना प्रीटी है, आई लव दैट थिंग, मतलब इसके अंदर वो झूमर टाइप से लगा हुआ था ना, मुझे इतना बुरा लग रहा था, देखिए ऐसे लटकने वाला, इसके मम्मा से ये कटा दिया लेकिन मैंने नहीं कटवाया, ये देखिए ये हम बाकी सारे उसमें पहन सकते हैं, अगर आप ग्रीन पहले किसी की माइयों में पहन लें या किसी की, ये देखिए गाइस हमारे पास तीन बैज और है पाकिस्तान, और ये वाला मेरा था, मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला, ये मम्मा का था, ये तुमने ले लिया सब कर लिया, ये बाबा का था लेकिन हम दादी ने ले लिया, और ये ये भी अब दो आधी का है, ये मेरा है, ये मैंने ले लिया। तो गाइस मैं फ्लैश लाइट ऑन कर देती हूँ, जो बहुत ज्यादा, अब 14 अगस्त की चीजें हम अंदर डालते हैं। हाँ गाइस अब से ना ये भी 14 अगस्त ही है, ये फर्स्ट सेकंड टाइम मेरा कौन है। सो गाइस अब हम इनको थैली में रख लेते हैं क्योंकि हम इसको इसमें नहीं, 14 अगस्त की चीजें ना थैली के अंदर ही हम लोग करके सिक्योर कर दी, क्योंकि काली भी जाती है ना,